आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 4. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमानस एज इन इयर्स 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज. इसमें क्वेश्चन हमें बता रहा है कि सम एडिशन रहमान की एज का एडिशन 3 इयर्स एगो 3 साल पहले और 5 साल बाद उन दो एजेस का जो एडिशन है रेसिप्रोकल उन दो एजेस का रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का एडिशन इज इक्वल टू 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज. तो इस क्वेश्चन में हमने निकालना है कि इस रहमान की प्रेजेंट एज क्या है. तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको ब्रीफ समझाऊंगा ये क्वेश्चन क्या है. आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज ये रहमान है, क्वेश्चन बता रहा है रहमान की एज प्रेजेंट एज पता नहीं है क्या है निकालनी. सपोज मैं रहमान की प्रेजेंट एज एक्स रखता हूँ, तो उसके बाद क्वेश्चन में लिख रहा है रहमान दे सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमानस एजेस इन 3 इयर्स एगो. रहमान की एज आज एक्स है प्रेजेंट में, 3 इयर्स एगो रहमान की एज एक्स माइनस 3 हो गई. 3 इयर्स एगो मीन्स आज से पहले 3 साल रहमान की एज एक्स माइनस 3 इयर्स. तो इसके बाद लिख रहा है 5 इयर्स फ्रॉम नो, 5 साल बाद इसकी इयर्स इसकी एज x प्लस 5 हो गई. तो हमें बताना है इनके रेसिप्रोकल का ऐड. तो पहले इसका रेसिप्रोकल x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3. ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, ये है क्वेश्चन जिसको मैंने आपको ब्रीफ एग्जांपल के जरिए से समझाया कि क्वेश्चन क्या बता रहा है. चलिए अब हम इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक मेथड के जरिए से. तो मैं लिखूंगा रहमान की प्रेजेंट एज पता नहीं, मैंने इस पे लिखा एक्स, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान is x years. मैंने रहमान की प्रेजेंट एज को x years से मेंशन किया, x years. Now रहमान's एज three years ago is equal to रहमान की एज 3 साल पहले, अभी मैंने आपको बताया x माइनस 3 इयर्स हो गई एंड रहमानस एज 5 इयर्स नाउ इज इक्वल टू x प्लस 5 इयर्स. इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में बता रहा है 3 इयर्स एगो उसका रेसिप्रोकल और 5 इयर्स नाउ उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/3. तो यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को लिखा अपने वर्ड्स में. तो यहाँ तक की क्वेश्चन है, इसके बाद ये क्वेश्चन इजी है, आप इजीली इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो तो और सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ तक ये आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है. ये जो मैंने लिखा वर्ड्स में इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसी को आप मेमोरी करके लिखोगे एग्ज़ाम में. इसको इसलिए लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है. तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं.
इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये बनेगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 3 इंटू x प्लस 5, इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ से 1/3। अब इसको हम देखते हैं ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x, क्योंकि x x 2x प्लस 5 माइनस 3, यहाँ से बचा 5 को 3 कम करेंगे 2 बचा, डिवाइडेड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा x स्क्वायर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। तो अब फिर से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को इन दो टर्म्स के साथ, ये बनेगा 6x 3 2 6 इज इक्वल टू इस 1 को इसके साथ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, ये बनेगा प्लस 2x, क्योंकि 5 में से 3 कम करेंगे तो वहाँ से 2 बचेगा माइनस 15। तो अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको राइट हैंड साइड मिलेंगे, ये बनेगा माइनस 6x, क्यों यहाँ से 6x प्लस है, ये बनेगा यहाँ से माइनस 6x और प्लस 6 को माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको और थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x को प्लस 2 करेंगे, ये बनेगा माइनस 4x, 6 को कम करना है 2x, तो माइनस 15 माइनस 6 ये बनेगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हियर ए इज इक्वल टू 1, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 4 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 21। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एट द प्लेस ऑफ ए इज 1 एंड सी दिस इज माइनस 21। नाउ व्हेन वी विल फाइंड दिस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी दिस विल बिकम सिक्सटीन माइनस इंटू माइनस प्लस 4 वन इज आर 4 एंड 4 टू इज आर 8 एंड एट दिस विल बिकम 10 100। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 100। नाउ I will write down here, b square minus 4ac is positive and greater than 0. It means this quadratic equation have two equal roots. So, main likhunga b square minus 4c is greater than 0. The quadratic equation have two real roots. तो अब हम वो दो रियल रूट, तो क्वेश्चन हमारा एक्स में है, मैं लिखूंगा इसके दो रूट्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू ए विच इज इक्वल टू माइनस बी, बी यहाँ पर माइनस 4 है, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 100, मैं लिखूंगा 10 का स्क्वायर 2 into a, a is equal to 1, तो इसको हम अब कैलकुलेट करते हैं, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ बचा 10 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स इसके दो रूट्स ये हो सकते हैं 4 माइनस 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 10
divided by 2. तो यहां से देखते हैं हम यहां किससे क्या निकलेगा, ये बनेगा 14 by 2, ये बनेगा 6 minus 6 by 2. यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा 7 कॉमा माइनस 3. बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, इट मींस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 3. एक्स हमने क्वेश्चन में एज ली है तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए मैंने एक्स को यहां पर माइनस 3 को रिजेक्ट किया. तो देयरफॉर x is equal to 7 years Rahman's present age is 7 years. तो ये था हमारा question, question number 4, exercise 4.3. तो जिसको मैंने सॉल्व किया आप इसको अच्छी तरह से देखिए, एक दो बार देखने के बाद प्रैक्टिस करिए तो आपका ये इजीली समझ आएगा और एग्जाम में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो.